हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बजाज मेजेस्टी के राइस कुकर का रिव्यू देने वाली हूँ। ये जो राइस कुकर है दिखने में काफी अच्छा है, किचन में बहुत अच्छा लगता है। और जो राइस कुकर है उसमें राइस जब हम बनाते हैं तो स्टिकी नहीं बनते हैं, खिले खिले चावल बनते हैं, तो इसलिए राइस कुकर बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप डेली बेसिस पर राइस खाते हैं। इसका जो वायर है काफी लंबी है और इसका जो प्लग है वो बड़े वाले सॉकेट में लगता है, आसानी से आप इसको प्लग इन कर सकते हैं। अब हम इसकी जो टेक्निक है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो नीचे एक हॉट प्लेट बना हुआ है, इस हॉट प्लेट के ऊपर एक एल्यूमिनियम का वेसल रखा होता है। ये जो वेसल है इसमें एक जाली लगी होती है, ये जाली के ऊपर हमें राइस डालना होता है और पानी डालना होता है। और जब राइस कुक हो जाते हैं और सारा जो पानी नीचे का अब्जॉर्ब हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके साथ में एक मेजरिंग कप दिया हुआ है और एक स्पैचुला दिया हुआ है। ये स्पैचुला पे एक बहुत ऐसा डिजाइन बना हुआ है जिससे कि राइस टूटता नहीं है, इस पर चिपकता भी नहीं है और आसानी से आप उसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ में एक स्टेनलेस स्टील का लिड भी दिया हुआ है। ये लिड भी, इसका डिजाइन भी बहुत यूनिक है। अब हम राइस कुक कर लेते हैं। तो 1 कप राइस अगर आपको कुक करना है तो मैं पहले राइस को कुक करने से पहले वॉश करना प्रेफर करती हूँ। तो पहले एक बार इसको वॉश कर लेते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे, एक बार दो बार आप उसको वॉश कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पानी वॉश करने के बाद है उसको आप झाड़ दें या फिर हटा दें। अब हम जब 1 कप राइस कुक करने वाले हैं तो उसके लिए हमें 2.5 कप पानी इसके अंदर डालना होगा। इसके जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें अलग अलग तरीके की राइस के लिए अलग अलग वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है। आप पुलाव बनाना चाहते हैं, आप जो नॉर्मल रेगुलर राइस अपन खाते हैं वो बनाना चाहते हैं, या और भी 2-3 वैरायटी जो होती है वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल में वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है। अब मैंने इसको यहाँ प्लग इन करके और यहाँ ऑन कर दिया है। इसमें मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी मैं ऐड कर दूंगी जिससे कि राइस में सॉल्ट का टेस्ट आ जाता है। इसको थोड़ा सा स्टर कर देती हूँ। अब जो राइस है वो हम इसमें डाल देते हैं। इसको बस थोड़ा सा मैंने टैप किया है क्योंकि कुछ थोड़ा सा ऊपर रह गया था पानी के, तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप आराम से अपने आप कुक हो जाता है। अब कुछ देर बाद में जब ये कुक हो रहा है तो इसमें देखिए, इसका जो लिड है उसमें दो तरफ दो ओपन पोर दिए हुए हैं, छेद दिए हुए हैं जिनसे स्टीम बाहर निकल रही है, और एक जिस अमाउंट में स्टीम चाहिए उसी अमाउंट में स्टीम उसको राइस को मिल रही है। जब राइस कुक हो जाता है तब ये जो आप लाइट देख रहे हैं अपने आप ऑफ हो गई है। अब राइस कुक हो चुके हैं थोड़ी देर बाद में। अब थोड़ा सा जब ये कूल डाउन हो जाता है तो हम देखते हैं राइस कैसे बने हैं। ये राइस कुकर काफी यूजफुल है, आपको ये नहीं देखना होता है कि बार बार चेक नहीं करना होता है।
और अगर आप रेगुलरली राइस खाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी किचन के लिए। अभी इसमें काफ़ी स्टीम है, देखिए राइस एकदम खिले खिले राइस बने हैं और एक दूसरे से कितने अच्छे से अलग हो रहा है और अच्छे से पका है। तो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू बजाज मजेस्टिक के राइस कुकर का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।